नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 30 अक्टूबर, उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो वेटरनरी ऑफिसर की भर्ती निकली हुई थी और 27 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट थी, उसको सरकार ने एक्सटेंड करके कर दिया है 4 नवम्बर 2023। यानी कि जिन लोगों का किसी वजह से ये फॉर्म भरने से रह गया है उनके लिए एक और मौका है, वो जल्द से जल्द ऊपर दिए आई बटन पे इसकी सारी डिटेल जाने और अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर दें। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोजाना आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश के किन दो पंचायतों ने अलग अलग वर्ग में प्रदेश स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। तो इसका सही जवाब है जिला हमीरपुर की पट्टा और भोरंज पंचायत ने। दोस्तों हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 करवाया जा रहा है, जिसमें देश भर की सभी पंचायतों को इंक्लूड किया गया है और वहां पे सफाई के हिसाब से उनको अंक दिए जा रहे हैं और लास्ट में एक स्टेट लेवल की और एक नेशनल लेवल की रैंकिंग तैयार की जाएगी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की स्टेट लेवल की रैंकिंग रिलीज हुई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला की दो पंचायतें पट्टा बे भोरंज ने अलग अलग वर्ग में पहला स्थान हासिल किया है। ग्राम पंचायत पट्टा 2000 से कम जनसंख्या वाली पंचायतों में स्वच्छता के मामले में सबसे बेहतर आंकी गई, वहीं 5000 से अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों में भोरंज पंचायत सबसे अव्वल रही। हालांकि नेशनल स्तर का परिणाम आना अभी बाकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हिमाचल प्रदेश में किस जगह दिल्ली गेट के नाम से मशहूर लिटन मेमोरियल स्थित है। तो इसका सही जवाब है जिला सिरमौर के नाहन में। दोस्तों इस स्मारक का निर्माण महाराजा शमशेर प्रकाश ने साल 1877 में उस समय के तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन के नाहन आने की स्मृति में करवाया था। इस मेमोरियल के ऊपरी भाग में चारों दिशाओं में 4 क्लॉक लगाए गए हैं, इसलिए इसको क्लॉक टावर या फिर घंटा घर के नाम से भी जाना जाता है और साल 1902 में 3 घंटे लंदन से स्पेशली मंगवाकर इसमें लगाए गए, जो कि 15 मिनट आधा घंटा और 1 घंटा बीत जाने पर अपनी आवाज के माध्यम से समय बताते हैं। बताया जाता है कि यह क्लॉक टावर लगने से पहले जनता की सुविधा के लिए प्रतिदिन 12 बजे तोप चलाने की परंपरा थी, जो आज इस गेट के नीचे रखी गई है। परंतु दुख की बात यह है कि साल 1970 के बाद किसी ने भी इन घंटों की मधुर आवाज नहीं सुनी, वे तब से खराब पड़े हैं और हाल ही में नगर परिषद नाहन ने इसको ठीक कराने का जिम्मा लिया है। उम्मीद है बहुत जल्द लोग इन ऐतिहासिक घंटों की आवाज सुन सकेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि टेट 2023 का एग्जाम भरने की आज लास्ट डेट है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द से जल्द ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके इसकी सारी डिटेल जानें और अपना फॉर्म फिल कर लें। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना अखबार क्षत्रिय तेज पहली बार कब पब्लिश हुआ था। तो इसका सही जवाब है वर्ष 1934 में। दोस्तों क्षत्रिय तेज को हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना और पहला न्यूज़पेपर माना जाता है, जो कि वर्ष 1934 में रिलीज हुआ था, परंतु इंटरनेट या अदर सोर्सेज पर इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप इसका नाम और जो पहली बार कब पब्लिश हुआ जो याद रख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।